मैं पहले जो है अगर किसी को किसी बात पे आपत्ति है तो थोड़ा नीचे करो यार, सब पार्टी फोरम में जो है बात रखनी चाहिए थी ट्वीट के माध्यम से। अगर कोई बात होगी तो उस पर पार्टी पे जो है संज्ञान में हम लोगों ने लिया है और इस पर हम लोग बात जो है चर्चा जो हम लोग करेंगे। हालांकि मनोज झा जी प्रोफेसर हैं, आपको भी पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, पीछे कर लीजिए, वो पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को। और मनोज झा जी जो है सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में चुने गए हैं पार्लियामेंट में, इससे तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बराबर में करो, बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अगर अवार्ड अगर किसी को मिला है तो मनोज झा जी को मिला है। उनके आचरण को देख के, उनके बुद्धिमानी को देखते हुए, जिस हिसाब से वो संसद में हर एक विषयों पे भाग लेते हैं और जो चर्चा जो हो रही है ये महिला आरक्षण के समय में जो उन्होंने बात रखी थी कि भाई पिछड़ों महिलाओं को, अति पिछड़ा महिलाओं को जो है इसमें आरक्षण जो है सुनिश्चित करना चाहिए ताकि गांव की भी महिलाएं, पिछड़े समाज की महिलाएं या अति पिछड़े समाज की महिलाएं या माइनॉरिटी की महिलाएं जो है इस आरक्षण का लाभ उठा सकें। इसी विषय में उन्होंने जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पाठ को जो है वो दोहराया। तो वो जो आज के संदर्भ में अगर आप देखिएगा तो चंद ही लोग जो है देश चला रहे, चंद ही लोग जो है देश के संपत्ति को बेच रहे, तो जो चंद लोगों की जहां तक बात है। और अगर आप देखिएगा जो लैंडलॉर्ड है, अगर ज्यादा जो चंद लोगों के पास जमीनें ज्यादा है, जिसकी आबादी ज्यादा है उसके पास जमीन जो है ही नहीं। तो जो आज का संदर्भ में उन्होंने जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो रहे उनके पाठ को उन्होंने दोहराने का काम किया है। और हम लोग जो है समाजवादी लोग, अब ठाकुर तो कर्पूरी ठाकुर जी भी लिखते हैं, और तो इसलिए ये कोई जात की बात नहीं बोली, ठीक है ठाकुर जो है वो सरदेव, हम ही लोग अहिर जाति से यादव, हम लोग सरदेव, हम लोग जो है वो लिखते हैं। लेकिन आप देखिएगा चौधरी भी लिखते हैं, राय भी लिखते हैं, प्रसाद भी लिखते हैं, तो ये तो लिखते हैं। उनका कोई मतलब किसी के भावनाओं को नहीं, बल्कि सबको बराबरी का मौका मिले, चंद लोग जो है इस समाज में लाभ ना उठा पाए, ये उनका जो है संदर्भ कहना था। तो कहीं ना कहीं से राजनीति में तो आप लोग सब लोग समझते ही हैं, इसी तरीके का राजनीति चलता है। लेकिन भाजपा के सांसद विदुरी पार्लियामेंट में खड़े होकर अजीब शब्दों का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज तक आ जाते हैं, लेकिन आप लोग उनके बयानों का तो पोस्टमार्टम नहीं कीजिएगा। आप बताइए विदुरी जी जो कहते हो क्या कहते हैं, किसको धमका रहे थे, आतंकवादी बोले, कठुआ बोले, क्या क्या नहीं बोला उन्होंने, उग्रवादी बोले, क्या एक्शन हुआ, कोई एजेंडा नहीं। तो किसी जाति, आप बताइए, हम लोग तो सब लोगों को ए टू जेड वाले लोग, सब लोगों को लेके चलते, जितने राजपूत एमएलए हमारे पास उससे ज्यादा बीजेपी में नहीं है, चाहे एमएलसी एमएलए राष्ट्रीय जनता दल के पास ज्यादा है, तो ये तो बेकार की बातें हैं। और हम लोग तो मानने वाले लोग हैं वीपी सिंह को, हम लोग तो मानने वाले अर्जुन सिंह को, जिन्होंने 27% शिक्षा में आरक्षण दिया, वीपी सिंह जी ने जिन्होंने मंडल कमीशन को लागू करने का काम किया, हम तो मानते हैं रघुवंश जी को, इन तीनों से बड़ा कोई है क्या समाज में, रघुवंश जी ने मनरेगा दिया, ग्रामीण सड़कें दी। तो ये सब बेकार की बातें हैं, लोग उलझा उलझा करके लोगों को रखते हैं। अब इसमें बताइए, अगर ये तो एक बात, तो दुख की बात तो ये है, जीप काट लेंगे, गर्दन काट देंगे, मार देते, ई कर देते, ऊ कर देते, अगर हमारे दल में भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा भाजपा के लोगों को कहता तो हम इसमें भी खेद जो है प्रकट करने का काम करते हैं। हिंसा हम लोग क्या समाज को संदेश हम लोग देना चाह रहे हैं, तो ये लोग कुछ अपने बेनिफिट के लिए ऐसा कुछ ना कुछ लोग तो करता रहता है। हालांकि उसको जो है पहले पार्टी फॉर्म पे जो है बात करनी चाहिए, चुनाव में आपको नहीं पता था, चेतन आनंद चुनाव में
2020 के चुनाव में हम लोग सरकारी बाबू के बारे में बात कर रहे थे जी। तो भाजपा के लोग जो है कहीं और ले गए। हम घूसखोरी के बारे में बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वो कहीं और लेके चला गया। तो ऐसा नहीं है, आज का जो प्रदेश है, जो स्थिति है देश की, जो कुछ लोग जो कब्जा किए हुए हैं उनके बारे में है, ना कि किसी जात के बारे में। जात तो राजपूत जात आनंद मोहन आपको खिला अब तो हमको आराम से आराम से नीचे नीचे बातों पे टिप्पणी नहीं नीचे। और उनके पुत्र जो है हमारे पार्टी से विधायक है, उन्होंने इस बात को उठाया था, पार्टी फॉर्म में हम लोग इस बात को